हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो हम फाइनली बुआ जी के घर पहुंच गए हिमाचल में। तो अभी हम फ़िलहाल यहाँ रुकेंगे नहीं, हमें आगे जाके रास्ते में कुछ काम करना है, फिर वापस आएंगे। तो गाइस ये देखिए हिमाचल का स्कूल, देखिए बाहर ग्राउंड में धूप में क्लास लग रही है। गाइस चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ का सबसे बड़ा दरिया, यहाँ पर 5 तीर्थों का पानी आता है, पीछे से 5 तीर्थ मिलते हैं तो वहाँ का पानी एक साथ यहाँ पर आता है। तो देखिए यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, पूरी शांति है, यहाँ सिर्फ पानी की आवाज़ है। यहाँ अब देखिए कितना सुंदर व्यू है ये। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ जिस वजह से हम हिमाचल में आए थे, ये वो मंदिर है। तो यहाँ देखिए पापा का तोला होना है। इस तोले में क्या होता है, एक तरफ अपना वेट होता है और दूसरी तरफ आपने सामान डालना है उतने वेट का, कुछ भी डाल सकते हो, सब्जियां हो गई, और एक्स्ट्रा वेट जो बच जाता है वो रेते के साथ पूरा करते हैं। गाइस जो मैंने आपको अभी दरिया दिखाया था, ये दरिया के एक साइड पे बनाया हुआ है नहाने के लिए, छोटा सा पूल है। तो यहाँ साल में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है, तो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ नहा कर जाते हैं। अगर आप ही कभी आओ तो ज़रूर यहाँ नहा कर जाना। ये देखिए जो सामने पानी गिर रहा है, ये 5 तीर्थों का पानी है। लोग ये पानी को भर के अपने घर भी लेके जाते हैं, ये पूरा पवित्र जल है। तो अगर आप भी कभी आओ यहाँ जरूर नहाओ और पानी लेकर जाओ। कैसे इस जगह का नाम कालेश्वर है, ये हिमाचल में है, तो कभी आपका हिमाचल आना हुआ तो यहाँ ज़रूर आओ। ये देखिए गाइस ऐसे लोग पानी भर के लेके जाते हैं, तो हमने भी एक छोटी सी कैनी भर ली है घर लेके जाने के लिए। गाइज़ ये देखिए यहाँ पे एक बेचारा डॉगी था, ऐसे लगता था उसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं है, तो हमने उसे बिस्किट डाल दिए, तो अब वो खा लेगा आराम से। गाइज तो ये देखिए जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था दूर से व्यू, अब मैं नीचे आ गया हूँ, तो ये यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। देखिए दरिया के बिल्कुल पास हूँ, कितना साफ़ पानी है ये, और ये इतनी स्पीड से चल रहा है, बाहर देखने से कम है पर अंदर इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड है। गाइज फाइनली अब हम घर आ गए हैं और लंच करने लगे हैं। और ये देखिए यहाँ का बेस्ट लंच, मक्की की रोटी है, साथ में दही की सब्जी है, साथ में मिक्स सब्जी है और सरों का साग। ये सारा कुछ नेचुरल है, खुद ही उगाया हुआ है, सब्जियाँ खुद उगाई हुई हैं और ये इतनी टेस्टी हैं, ऐसी चीज़ शहरों में नहीं मिलती कभी। गाइज तो अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ हिमाचल के घर। हमारे यहाँ ऐसे घर होते हैं स्लाइडों के बने हुए, तो इसको स्लेटे बोलते हैं, जो ये ब्लैक ब्लैक कलर की आपको छत दिख रही है। गाइस अब हम जा रहे हैं मामा जी के घर। तो यहाँ कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ हमें अंदर काफ़ी चलकर जाना पड़ता है, आसपास सारा जंगल है और काफ़ी अंदर चल के घर होता है। तो चलिए मैं आपको वो घर भी दिखाता हूँ। गाइस तो हम उनके घर आ गए हैं, ये देखिए काफ़ी अंदर आके ये घर है और पहाड़ों के बीचों बीच घर है ये, देखिए। गाइस अब हम उनके घर से वापस आ गए हैं और उन्होंने हमें ये बोतल भर के दूध दिया है, गाय का प्योर दूध। गाइस अब हम आगे अपने और रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, हमारे सभी रिश्तेदार यहीं पास पास में ही रहते हैं। तो मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा अभी, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊँगा कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपको आगे आगे और अच्छी वीडियो दूँ।